नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक एससी मल्होत्रा वाली। असेसमेंट ईयर है 2021-22 और 62 एडिशन है। ये चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन है उसका, 12th क्वेश्चन चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी करके दिखाते हैं आपको। पहले पढ़ा देते हैं स्टैंड नीचे करके, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एन एम्प्लॉय, देख पा रहे हैं, एन एम्प्लॉय रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 4 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और 1 लाख रुपीज फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। क्या निकालना है? कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इसमें से आपको निकालना है कि टैक्सेबल अमाउंट क्या क्या होगी, कैसे कैसे होगी, किस हेड के लिए, वो भी निकाल के देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी इसे करते हैं सॉल्यूशन और दिखाते हैं आपको। छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ, पहन जाने वाला है क्या, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। पीएफ लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, आप प्रोविडेंट फंड पूरा लिख देना, जगह नहीं आती ना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ये हल्का रहेगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कहाँ कहाँ के लिए आपका टैक्सेबल होगा वो देखा। तो जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, उसे जो पैसा मिला है कंट्रीब्यूशन का और इंटरेस्ट का, वो हाफ आपका टैक्सेबल होगा जो एम्प्लॉयर वाला साइड है उसका, ठीक है, एम्प्लॉयर वाले हिस्से का। तो वो चीज़ मैं इसे लिख के करके दिखाता हूँ, बार बार मैं बोलूँगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने किया इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा मैंने द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट ऑन इट इज इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी एंड लायबल टू टैक्स 2 लाख। और ये चीज़ तो आप भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 4 लाख रुपए टोटल मिला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो आपका 4 लाख में से आधा हिस्सा जो एम्प्लॉयर वाला है वही टैक्सेबल होगा। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो आपका एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हिसाब से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो लाइन यूज़ की है मैंने वो देख लो ज़रा, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट हो गया, द इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड लायबल टू टैक्स। मेरा पेन चलते चलते ख़त्म हो गया, दूसरे पेन से काम कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हल्का भी आ रहा होगा यहाँ पर नाम, अंडर द हेड, ठीक। तो ये हमने 50,000 लिख दिया, टोटल मिला के 2.5 लाख रुपये टैक्सेबल हुआ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। ये चला गया सैलरी हेड में और ये चला गया आपका अदर सोर्सेज वाले में, ठीक है, टोटल मिला के 2.5 लाख रुपये, यही आंसर दे रखा है इसमें। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार आंसर दे के तो 2.5 लाख कैसे आया, 2 लाख आना चाहिए था। फिर इसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कहाँ से हुआ, तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया है। तो बस इतनी सी वीडियो थी, इसे नोट करना, वीडियो पॉज करके अगर टाइम ना मिल पाए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नई बुक के साथ ये कुछ और अलग करते हुए, ठीक, बाय।